Welcome back to my channel, me Anshika. Friends, अभी मैं class 3rd में हूँ और हमारे class 3rd में एक subject है computer. उसमें हमें monitor, printer, scanner, keyboard, mouse इन सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है. तो आपको इस वीडियो में मैं यही समझाऊंगी इनका यूज कैसे करते हैं, इनके इंटरनल पार्ट्स कैसे हैं. हम जो लैब में कंप्यूटर स्कैनर मॉनिटर जो भी देखते हैं उसे हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, हम अंदर नहीं देख पाते हैं. तो आज इस वीडियो में हम स्कैनर और सीपीयू का और प्रिंटर को अंदर से देखेंगे कि वो अंदर का उसका व्यू कैसा है. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर स्कैनर और इंटरनल व्यू ऑफ ए कंप्यूटर. फ्रेंड्स, हम जब कंप्यूटर लैब में एंटर करते हैं उसका व्यू कुछ इस तरह होता है. उधर ये सारी चीजें रखी रहती है, कंप्यूटर मॉनिटर जो भी प्रिंटर स्कैनर सीपीयू कीबोर्ड माउस, और हम उनमें ही अपने वर्क करते हैं जो मैम हमें देती है. जैसे कि इस तरह यहाँ पे आपका सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और प्रिंटर है. फ्रेंड्स, आप ये व्हाइट कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये सीपीयू है. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है. सीपीयू को हम कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट एंड ब्रेन भी कहते हैं. जो सीपीयू प्रोसेस करता है वो सीपीयू मॉनिटर के थ्रू हमें डिस्प्ले कराता है. और आप ये जो नीचे देख रहे हैं कीबोर्ड एंड माउस, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और लेटर्स भी टाइप करते हैं. इसे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. आप जो व्हाइट कलर का लास्ट में बॉक्स देख रहे हैं इसे हम प्रिंटर कहते हैं. आप जो भी इधर का मॉनिटर में टाइप करते हैं आपको उसका प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंटर में पेपर डालिए आपको प्रिंट होके मिल जाएगा. तो दोस्तों, इन सब चीजों से बनता है एक कंप्यूटर सिस्टम और इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डेस्क के ऊपर रख के काम की जाती हैं. फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सीपीयू का बैक साइड है. यहाँ पे मॉनिटर कीबोर्ड और माउस आके कनेक्ट होते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे कौन सा प्लग कनेक्ट होता है. ये पावर सप्लाई है, ये कीबोर्ड का कनेक्शन है, ये माउस का कनेक्शन है, और इधर आप पिंक कलर का बड़ा सा बॉक्स देख सकते हैं, ये मॉनिटर का प्लग है यानी उसका सप्लायर है. यहाँ पे मॉनिटर कीबोर्ड माउस आगे कनेक्ट होते हैं, तभी हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन मॉनिटर को देना चाहे तो हम दे सकते हैं. तो अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सीपीयू के अंदर का व्यू दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सीपीयू के अंदर का व्यू है. अभी जो बड़ा सा देख सकते हैं ये बॉक्स टाइप है, इसे मदरबोर्ड कहते हैं. यहाँ पे हमारे जो होते सप्लाई वो यहाँ पे लगते हैं. ये आप जिप्ले से देख सकते हैं, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और फिर यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हमारा हार्ड डिस्क है. हम जो भी वर्क सेव करते हैं वो आगे इस पे स्टोर होता है. ये परमानेंट स्टोर डिवाइस है. आप जो ये फैन देख सकते हैं ये रियल में फैन ही है. ये सीपीयू को कूल करने के लिए यूज होता है. फ्रेंड्स, इसके अंदर का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें भी इतने जाने की जरूरत नहीं है. हम जितना समझ सकते हैं हम उतना ही समझेंगे. ये जो रेड कलर का बॉक्स देख सकते हैं ये SMPS है, ये पावर को कंट्रोल करता है. और बाहर जो है ये एक फैन है, ये इसका फैन है, ये गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए यूज होता है. अब देख सकते हैं यहाँ से सीपीयू के अंदर का कितना क्लियर आ रहा है. ये सब मैंने आपको जो बताया ये वही सारी चीजें है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड. अभी हम इतना सारा नहीं इसे समझ सकते हैं. ये देखिए, ये प्रिंटर है. प्रिंटर को बाहर से हम सब लोग
होगा, लेकिन अंदर का तो नहीं देखा होगा, तो हम अंदर का व्यू देखेंगे। आइए आप इस टीवी स्क्रीन में देखिए प्रिंटर का अंदर का व्यू कैसा है। आप ये ड्रम जैसा देख सकते हैं, ये टोनर है, इसके अंदर इंक हम डालते हैं तभी हम जो प्रिंट करते हैं वो कलर में आता है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट की इंक डालिए, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। अगर आपको कलर चाहिए तो कलर की इंक डालिए, वो कलर में आएगा। जब हम इस कवर को बंद कर देते हैं तो ये आपको पूरा छुप जाता है, तो किसी को पता नहीं चलता अंदर क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो टोनर दिखा रही थी वो ऐसे दिखता है, एक्चुअली में वो ऐसा दिखता है। ये जो 49A लिखा हुआ है ये टोनर नंबर होता है कि आपका टोनर कितने नंबर का है। अब हम प्रिंटर को बंद करते हैं। ये पेपर ट्रे है जहाँ पे हम पेपर लगाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ प्रिंटर कैसे काम करता है। हम कुछ मॉनिटर में टाइप करेंगे और उसे प्रिंट निकालते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे टाइप होता है। अभी हमने टाइप किया, अभी हम कमांड देंगे तो ये प्रिंट होकर आएगा। अब हम फाइल में जाके प्रिंट क्लिक करेंगे। प्रिंटर मॉडल सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारा प्रिंट आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हम कैसे प्रिंटर यूज कर सकते हैं और वो कैसे काम करता है। और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है प्रिंटर यूज करने का, लेकिन वो अभी हमारे क्लास में पढ़ाया नहीं गया है, हमारे क्लास के हिसाब से भी वो नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम स्कैनर कैसे यूज करते हैं। अभी देख रहे हैं ये स्कैनर है, इसके ऊपर हम पेपर रखेंगे कोई भी तो ये वो स्कैन हो जाएगा। मैं आपको अभी स्कैन करके दिखाती हूँ। हमने जो प्रिंट आउट निकाला था मैं आपको अभी वो स्कैन करके दिखाऊंगी। प्रिपेयरिंग टू स्कैन, ये देखिए वो ही आ रहा है, व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम बाय मी अंशिका। अब इसे ही हम स्कैन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था उन बच्चों के लिए जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आई होप कंप्यूटर उनको समझ आया है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम का अंदर का व्यू भी देखा और बाहर का व्यू भी देखा। हमने ये सीखा है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा इसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम तो और बहुत सी चीजें जानने के लिए, लेकिन अभी मैंने अपने क्लास में इतना ही सीखा है, इसलिए मैं आपको भी इतना ही समझा पाऊंगी। मैं जब आगे और सीखूंगी मैं आपको वो भी समझाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर दीजिए। और सबसे मेन बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस टिंग टिंग वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप उसे प्रेस कर देंगे तो आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मेरी मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, पहली बार मैं टीवी स्क्रीन यूज करके कोई वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।